अपने आज की न्यूज़ की तरफ आते हैं, तो बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं अपनी न्यूज़। कॉमेडी ऑफ एरर्स टर्न्स। अब यहाँ पर कॉमेडी आप लोग समझेंगे मजाक या मज़ा, अब मज़ा नहीं है ये। अब यहाँ पे क्योंकि ये कोई बात कर रहा है, किसी के मतलब बात कर रहा है, यहाँ पे कॉमेडी आएगा बेवकूफ़ों की, बेवकूफ़ों की ऑफ एरर्स गलतियाँ, बेवकूफ़ों की गलतियाँ टर्न्स मोड़ देती हैं। अब इसका मैं आपको थोड़ा सा बाद में बताऊँगी इसके बारे में, ये क्या कह रहा है इसके बारे में थोड़ा सा बाद में मैं बताऊँगी किस किस के बारे में। इसका मतलब COAS, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ये मुखफ़ किसका है? COAS, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ COAS इसका मुखफ़ है ये। चलिए यहीं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का मुखफ है ये COAS। अब आगे आते हैं, क्या कहते हैं, कॉमेडी ऑफ एरर्स टर्न्स। ये किसने कहा, ये कह रहा है, ऐसे जो भी दिया एरर्स गलतियां टर्न्स मोड़ देता है। और ऑफ इसका कॉमेडी मजा बेवकूफ़ों की गलतियों का रुख, मोड एक्सटेंशन एंड टू के लिए हंगर। अब आर इसका होगा मुखफ़, हंगर, हंगर आर नहीं पढ़ा जाएगा, कैलिफ हंगर इसका मतलब है, इसका मतलब ये नहीं है, ये कहानी है, ये मैं आपको बताऊँगी। एक्सटेंशन तो सी एंड टू कैलिफंगर कॉमेडी, सॉरी कॉमेडी मज़ा यहाँ पे आएगा बेवकूफ़ों का। ये देख लें बेवकूफ़ों का, सॉरी बेवकूफ़ों का मैं थोड़ा सा दुरुस्त करती हूँ, ये बेवकूफ़ों का, बेवकूफ़ों की आएगा यहाँ पे, कहानी आएगा यहाँ पे, की आएगा ये ऑफ बेवकूफ़ों की एरर्स गलतियों टर्न्स रुख मोड़ देते हैं, टर्न मोड़ना, टर्न्स मोड़ देता है, टर्न्स मोड़ देता है, रुख मोड़ देता है, एक्सटेंशन तो सी एन टू कैलिफ अंगर कहानी में, एन टू कैलिफ अंगर कहानी में। ये देखें कैलिफ अंगर कहानी, इसका कोई पहाड़ी नहीं है, मतलब ये नहीं है, यहाँ पर ये यूज़ होता है इसमें न्यूज़पेपर में और ये बात बता रहा है किसी के बारे में। कैलफ हम जानी पड़ जाए, कैलफ अंगर कहानी आएगा, कहानी में बेवकूफ़ों की गलतियों का रुख किस में बदल देता है, एक्सटेंशन तवसी का रुख, बेवकूफ़ों की गलतियों का रुख, इस यानी तवसी में गलतियां की थी, तवसी का रुख कैलफ अंगर कहानी में बदल दिया है, बेवकूफ़ों की गलतियों का रुख कहानियों में बदल दिया है, एक्सटेंशन तोसी। टेंशन तोसी
बेकसूर की गलतियों का रुख, तवसी की बजाय कहानी में बदल दिया है। कौन कह रहा है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अब आएगा ये आगे से, गॉन फेल्स टू सेटिस्फाई कोट ऑन लगेलिटी। अब इसमें थोड़ा सा ये होगा कि अब वो कहेंगे कि लीगेलिटी, लगेलिटी पढ़ा जाएगी ये दूसरे एतबार से, जो इस लैंग्वेज के हिसाब से ये लगेलिटी। थोड़ा सा इसलिए मैं समझाती हूँ कि आपको अपने में पढ़ने में वो कोई नहीं होगी। अब यूके वाली जो है, यूके में ऐसे पढ़ेंगे ली गेलटी, लगेलिटी कानूनी हैसियत ऑफ इट्स मूव एज जनरल जी एन जनरल जाहिर करता है बाजवाज टेन ईयर नियर्स कंप्लीशन। अब ये कह रहा है गवर्नमेंट फेल्स, गवर्नमेंट नाकाम हुई है टू सेटिस्फाई, इसको मुतमिन करने में कोर्ट अदालत को ऑन लगेलिटी कानूनी हैसियत से गवर्नमेंट नाकाम रही है कोर्ट को मुतमिन करने में ऑफ इट्स मूव एज जनरल बाजवाज टेन ईयर नियर्स, क्योंकि इसके जनरल बाजवा के अपने दौर इकतदार ये टेन ईयर दौर इकतदार जिसमें वो दौर कब्जा जिस अहदे पर वो फायज है, नियर कम्प्लीशन तकमील मुकम्मल होने के करीब है, इसमें कानूनी हैसियत से वो उनको गाइड करने में मू इकतदाम दार। ये लिखते हैं हम इसका मू, ये मू इकदाम पनीर दौर नियर, आपको पता है करीब है, कंप्लीशन तकमील तकमील यानी इसके मुकम्मल दौर इसके करीब है, मुकम्मल होने के करीब है, आज के तौर पर करीब है। आगे फिर आते हैं इस पर, पीएम से समरी मेंशंस जिक्र, मेंशन का मतलब होता है जिक्र, पीएम से समरी, पीएम की समरी में जिक्र है, मेंशंस जिक्र है, समरी समरी होता है इसमें जो समरी दी गई चीज़, मेंशंस जिक्र है, ये मेंशंस जिक्र है। रीअपॉइंटमेंट दोबारा तकरीरी का, रीअपॉइंटमेंट दोबारा तकरीरी का, रीअपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट दोबारा तकरीरी का, दोबारा तकरीरी का, नोटिफिकेशन बाय प्रेसिडेंट सेज, नोटिफिकेशन बाय सदर के नोटिफिकेशन में कहा गया है एक्सटेंशन तवसी। फिर कहा गया एक्सटेंशन तवसी, फिर
तो उसी अब आगे कहता है कि ला मिनिस्ट्री वजारत कानून ला कानून मिनिस्ट्री वजारत ला मिनिस्ट्री वजारत कानून मिनिस्ट्री वजारत कानून ये वजारत कानून अभी के फिर ला मिनिस्ट्री वर्किंग वेरी हार्ड सख्त मेहनत कर रही है वर्किंग सख्त मेहनत से काम कर रही है सख्त मेहनत कर रही है टू मेक दी इंस्टीट्यूशन हेडलेस इदारे को नाकारा बनाने के लिए नाकाम बनाने के लिए हेडलेस बेसरा हेडलेस बेसरा यहाँ पे हम लेंगे नाकारा नाकाम ये नाकारा ही चलेगा नाकारा ला मिनिस्ट्री बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत कर रही है सख्त काम कर रही है टू मेक द इंस्टीट्यूशन इदारा इंस्टीट्यूशन इदारा इंस्टीट्यूशन इदारा यानी कि इदारे को हेडलेस नाकारा बनाने के लिए सेज किसने कहा है सी जे पी का मतलब है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किसने कहा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ठीक है पाकिस्तान है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है नो बार ऑन अपॉइंटिंग नो बार ऑन अपॉइंटिंग तकरीरी पर कोई पाबंदी नो बार कोई पाबंदी नहीं ऑन अपॉइंटिंग तकरीरी पर ये नो बार कोई पाबंदी नहीं ऑन अपॉइंटिंग तकरीरी अपॉइंटिंग अपॉइंटिंग तकरीरी एक्स जनरल एज आर्मी चीफ एंड कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो साइलेंट ऑन टेन्योर आर्ग्यूज एजी नो बार ऑन अपॉइंटिंग कोई पाबंदी नहीं है एक्स जनरल साबक जनरल बतौर आर्मी चीफ एज का मतलब है बतौर एज आर्मी चीफ बतौर ये देखिए एज आर्मी बतौर आर्मी चीफ एंड कॉन्स्टिट्यूशन आइन कॉन्स्टिट्यूशन आइन कॉन्स्टिट्यूशन आइन आइन आल्सो साइलेंट खामोश है आइन भी खामोश है आल्सो भी आल्सो साइलेंट ये यहाँ पर थोड़ा नज़र नहीं आ रहा मैं यहाँ पर लिखूँगी आगे करके आल्सो साइलेंट ये भी इस आल्सो पे भी कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है इस पे भी वीडियो बनाऊँगी खामोश साइलेंट खामोश है खामोश
on tenure door iktidar, pehle bhi bataya hua hai. Argues AG attorney general, argues Delhi. Sorry. Gives دلیل دینے والی کہنے کا اٹارنی جنرل دے اٹارنی جنرل یہ صحیح یہ دلیل لکھ دیتے ہوئے کس نے اٹارنی جنرل یہ اے جی کا مطلب ہے یہ اٹارنی جنرل یہ دیکھ لیں پھر میں دوسری طرف پیج کروں گی اس طرف نظر نہیں آتا SC इसका मैं बताऊंगी ये कि इसका मुखौफ़ है टेल्स गवर्नमेंट टू सेटल मैटर टुडे आर ला विल टेक इट्स कोर्स अब SC यहाँ पर देख रही SC में लिखवाऊंगी SC ये देखें सुप्रीम कोर्ट سپریم کورٹ ایسی کا مطلب ہے مخفف ہے یہ اس کا ایسی سپریم کورٹ کا ٹیلز گورنمنٹ ٹو سیٹل میٹر مسئلہ کو حل کرنے کو کہا ہے ٹوڈے آر سپریم کورٹ نے گورنمنٹ کو آج مسئلہ حل کرنے کی ہدایت کی ہے یا حل کرنے کو کہا ہے سیٹل میٹر مسئلہ حل کرنے کو سیٹل میٹر معاملہ حل کرنے کو کہا ہے میٹر مسئلہ معاملہ میٹر معاملہ سیٹل حل کرنے کو معاملہ حل کرنے کو کہا ہے ٹوڈے آج کس کو گورنمنٹ کو گورنمنٹ ٹو کس کو گورنمنٹ کو کہا ہے کس نے سپریم کورٹ نے آر یا لا ول ٹیک اٹس کورس یا قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا لا قانون ول ٹیک کرے گا اٹس کورس اپنا راستہ اب یہاں پہ کورس وہ دوسرا کورس ہوتا ہے جو کرنے والا کورس نہیں یہاں پہ نیوز کے مطابق یہ جو استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا فاروق ٹولڈ ٹو ریزوالو لیسنس فرغ نے کہا ہے ٹو ریزوالو حل کرنے کا ریزوالو حل کرنا کس کا لائسنس ایشو جو تھا لائسنس کے مسئلے کا لائسنس ایشو لائسنس یہاں پہ نہیں آتا یہاں پہ مسئلہ لائسنس کا مسئلہ ایشو بیفور پہلے میکنگ آرگومنٹس دلائل دینے سے پہلے میکنگ آرگومنٹ اب یہ آرگومنٹس مینس دلائل وجہ بحث بیفور پہلے میکنگ آرگومنٹ سے دلائل دینے سے پہلے فاروق نے بتایا مسئلہ حل کرنے کو کہا کس کا مسئلہ لائسنس ایشو لائسنس کا مسئلہ حل کرنے کو کہا حل کرنے کا ہوتا ہے حل کرنے کو کہا بیفور میکنگ آرگومنٹ سے دلائل دینے سے پہلے فاروق نے اب آج کا یہاں تک ہی پھر آگے سے میں اور بھی پڑھاؤں گی کیونکہ اس میں بہت سارے جو ورڈز ہیں وہ
काफ़ी आपके लिए ज़रूरी हैं, आपको समझाने हैं, वो भी बताऊंगी यहाँ से आगे। अब यहाँ से यहाँ तक न्यूज़ में आपको पढ़ाऊंगी, छोटी कर वीडियो लॉन्ग होती जा रही है। इस्लामाबाद नॉट हैप्पी विद व्हाट द कैबिनेट डिड ड्यूरिंग इट्स टू सेशन।